माहौल मत बिगाड़े। बात भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं चंदन कुमार वीर सैनिक ट्रेनिंग सेंटर से आप लोगों का स्वागत करता हूं। और आज बिहार पुलिस का बैच शुरू हुआ, 5 दिन लगभग हो गया है। रिजल्ट के पहले 2 दिन हुआ है शुरू और 1 रिजल्ट के बाद भी हुआ है। तो आज हम लोग 2-3 दिन लगभग ट्रेनिंग चला है। तो अभी हम सारे विद्यार्थी से उनका रिएक्शन पूछेंगे कि उनका ट्रेनिंग में क्या माहौल है और कैसा ट्रैफिक ट्रेनिंग चल रहा है। तो बारी बारी से सब अपना अपना रिएक्शन बताएंगे, क्योंकि हमको बताने से कोई छोड़ा नहीं, क्योंकि जो स्टूडेंट कर रहे हैं वही बता सकते हैं कि मेरा ट्रेनिंग कैसा है। तो बारी बार से सबसे पूछा जाएगा। बताओ, पहले नाम पता बताओ। मेरा नाम विश्वजीत है, मैं खंदकपुर से आता हूँ। और कितना दिन से ट्रेनिंग कर रहा है? मैं 3 दिन, अभी 3 दिन हुआ मेरा। कल का टाइमिंग बताओ। कल का टाइमिंग 2 बजे से। टाइमिंग मतलब रनिंग टाइमिंग? रनिंग टाइमिंग है 6:30 मिनट। 6:30 मिनट, 3 दिन हुआ अभी। इम्प्रूव होगा ना? हाँ, इम्प्रूव पक्का होगा। चंदन भैया बहुत मेहनत करते हैं लड़का पर। और अब हाई जंप की बात है तो मैं लगभग 3-10 तक मार देता हूँ, और बाकी रहा तो 4 तक तो क्लियर हो जाएगा। गोला में 19 मार देता हूँ। क्या उम्मीद है ना पूरा 100%? हाँ, गोला में पूरा 20 मार दूंगा, पूरा दम ज्वाइन हो जाएगा ना ब्याज। हाँ। तो अगला लड़का देखिए। नाम आशीष कुमार। हाँ, जोर से बोलो। नाम आशीष कुमार, मैं बिहार शरीफ में रहता हूँ, और मेरा रनिंग टाइम है 7.5 मिनट लग जाता है, बट आज 7 मिनट आ गए हैं, है ना? ठीक है, तो आप बताओ। माय नेम इज नीतीश कुमार, मैं नए शहर से आता हूँ। मेरा रनिंग टाइम था पहले बहुत ज़्यादा था, अब कम गया है। और मेरा हाई जंप कल पहले चार मारता था, कल 4-4 मारा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मैं और मारूँगा। और चंदन भैया बहुत अच्छे तरह से मेहनत कराते हैं, सीजर मारने के लिए सिखाए हैं। और गोला मैं 19 फीट बिकता था, अब मैं 21+ जा रहा हूं, और मुझे उम्मीद है कि मैं 21 बिग ही दूंगा। बिहार पुलिस में तुम पक्का चांस? बिहार पुलिस में मैं अपने आप को बहुत पक्का चांस मानता हूं और चांस लेकर ही रहूंगा। चलो, बहुत ताली बजाओ उसके लिए। मैं मीतराज, मैं नई शहर से आता हूं, और मेरा लगभग रनिंग टाइम 6.5 मिनट है, और 2 दिन ज्वाइन किया हुआ है अभी बी ट्रेनिंग सेंटर में। तो दोस्तों, बताने का मकसद मेरा यही है कि लड़का लोग का गार्जियन वगैरह देखे और उनको आओ थोड़ा जोश आवे, आओ मेहनत करे, ताकि उसको जो अभी सिचुएशन है उसे इम्प्रूव करे और बिहार पुलिस में ज्वाइन करे। हम भी इस वीडियो को यही मकसद से बना रहे हैं ताकि इसका गार्जियन देखेगा, इसका भाई देखेगा, पापा देखेगा, तो थोड़ा सा मेहनत करेगा और थोड़ा सा जोश करेगा। अभी जो टाइम बताया जा रहा है, कल का वीडियो में हम सुनना चाहते हैं, कल या 1 सप्ताह के अंदर में सुनना चाहते हैं कि सब लड़का का लगभग 100 में 80 नंबर आ जाए सबका। 1 सप्ताह या 2 सप्ताह भी टाइम दे सकते हैं, लेकिन हमको रिजल्ट चाहिए एक एक लड़का का। अगला जी, मेरा नाम मन्नू कुमार हुआ, मेरा घर लखीसराय हुआ, लेकिन मैं बिहार शरीफ में ही मामू भैगना रोड बाईपास बड़ी पहाड़ी पास रहता हूँ। मेरा पिछला बार भी सिलेक्शन हुआ था, जिसमें मैं मेरिट में छटा था, और इस बार से भी मेरा रिजल्ट हुआ है। जो कि पिछला बार भी मैं वीर सैनिक से ही ट्रेनिंग लिया था, और उस वक्त तो मैं ज़्यादा दिन तो आया नहीं था, 12 दिन आया था, लेकिन फिर भी मैं हाई जंप भी 4-8 तक मारा था, और गोला मेरा 19 तक ही गया था, और रनिंग मेरा ज़्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी 20 नंबर आया था, तो जिसमें थोड़ा सा 4 नंबर चलती मेरा, अगर गोला चल जाता तो हो जाता मेरा मेरिट, लेकिन नहीं हो पाया। लेकिन इस बार कोशिश करते हैं कि बहुत अच्छे से, तो भैया ट्रेनिंग देते हैं चंदन भैया, हम पहले भी कर चुके हैं और अभी भी कर रहे हैं, मेहनती तो है ही, और उम्मीद है कि इस बार तो सिलेक्शन ले लेना है। ताली बजाओ। तो दोस्तों, ये मन्नू कुमार जो कि पिछला बार 4 नंबर के चक्कर में नहीं सिलेक्ट हो पाए, गोला में अगर 1 फीट बढ़ जाता तो इनका 25 में 25 आ जाता, और गोला में फिर इनका मेरिट बढ़ जाता। तो ये छोटा छोटा चीज ध्यान दीजिए आप लोग, गोला हो या कोई भी चीज हो, 4 नंबर 2 नंबर भी मायने रखता है। जब मेरिट नहीं बनता है तो 1-2 नंबर 1-1 नंबर मायने रखता है। तो आप लोग पूरे एनर्जी के साथ मेहनत करें। अगला लड़का अमित जी। तो अमित जी, ये पुराना लड़का है, इनका रिजल्ट अभी आया है, अभी इनका अभी सबसे ग्रुप में बेस्ट लगभग है रनिंग का। चलो स्टार्ट। मैं अमित कुमार बिहार शरीफ से हैं, और मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट हुआ है। मैं चंदन भैया को मतलब बहुत अच्छा से ट्रेनिंग देते हैं, और हाई जंप भी बहुत अच्छा से कराते हैं। मेरा पहले 6.5 मिनट लगता था, और अब 6 मिनट लगता है, और अब बहुत काफ़ी मेहनत कराते हैं, रिजल्ट के बाद तो टाइम घटने लगा है। और
ताली बजा अमित कुमार के लिए। मेरा नाम राम प्रवेश कुशवाहा है, जो जमुई जिला से बिलोंग करते हैं, और मेरा रनिंग टाइम है 5:15 और गोला है 20+ और हाई जंप है 4:08। तो सबसे बेस्ट अभी यही चल रहा है ग्रुप में, ताली बजाओ उसके लिए। और इसके अलावा फॉरेस्टर का लड़का भी एक यहाँ पे है, जो कि आपने बताया कि रिएक्शन किनका रिजल्ट हुआ है और क्या टाइमिंग जा रहा है, बताओ। मेरा नाम रोशन कुमार है, मैं बिहार से का रहने वाला हूँ। मेरा इन्फॉरेस्टमेंट सब इंस्पेक्टर और फॉरेस्टर में रिजल्ट है, तो 25 किलोमीटर के लिए मतलब हम यहाँ आते हैं, तो उसमें उतना डेडिकेशन तो नहीं, मतलब पूरा जान लगा रहे हम भी, सर का भी अच्छा प्रयास है हमारे प्रति। और मैं आप लोग को ये कहना चाहूँगा कि जो विद्यार्थी बिहार पुलिस के हैं, यहाँ पर तैयारी ट्रेनिंग कर रहे हैं, उनके लिए मतलब आप थक जाएगा लेकिन आपका ट्रेनर नहीं थकेगा, पूरा जान लगाता है। बेसिक ट्रेनिंग जिसको बोलते हैं, मतलब सही आधार पर ट्रेनिंग, वैसा ट्रेनिंग यहाँ पे होता है। आप आइए, एक बार सपोर्ट कीजिए, एक बार मौका दीजिए इनको। बिल्डर बहुत अच्छे, मतलब इनके लिए हम चाहेंगे कि बार क्लैपिंग करें आप लोग, ताली बजाओ। तो अगला अब गर्ल्स के लिए रिएक्शन लेते हैं। अच्छा, हाथ लेते पहले डिसिप्लिन में। तो देखो अभी एक विकास कुमार भी अपना कुछ बोलेगा, चलो बोलो। मेरा मेरा नाम विकास कुमार हुआ, मैं बिजवन पर से आता हूँ रोज रनिंग करने के लिए। मैं 6 महीना से बीट ट्रेनिंग सेंटर से जुड़ा हुआ हूँ। 6 महीना पहले मेरा 1600 में लगभग 7 मिनट टाइम लगता था, और अभी 5:20 के लगभग टाइम लग रहा है। और जहाँ तक का मैं सभी डिफेंस लाइन के लिए तैयारी करता हूँ, बिहार पुलिस, फॉरेस्टर, नेवी, सभी चीज़ का। पहले मेरा गोला 14 से 15 फीट जाता था, अभी 23 फीट जाता है। हाई जंप पहले मेरा 4 फीट था और अभी मेरा 4:08 है। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ, वीर ट्रेनिंग सेंटर में 0 लेवल से जॉब लेवल तक का ट्रेनिंग दिया जाता है। इसीलिए मैं सभी गार्जियनों से और लड़कों से कहूँगा, गलत जगह नहीं जाए, ऐसा जगह जाए जहाँ आपको 0 से जॉब तक पहुँचाया जाए। यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रेनिंग दिया जाता है, और मैं सबसे गुजारिश करूँगा कि यहाँ पे आ और इनको सपोर्ट करें, जो काफ़ी युवा हैं। धन्यवाद, थैंक यू। ये विकास कुमार, जो कि अपने लाइफ का काफ़ी टाइम कबड्डी में भी दिए हैं, और इनका बहुत स्पोर्ट्समैन है, बचपन से कबड्डी के खेल के प्रति बहुत जागरूक है विकास कुमार। और आर्मी भी पिछला बार गए हैं, किसी कारणवश इनका लगता सिलेक्शन रुक गया था, इस बार देखिए कन्फर्म है कि हो जाए। और अच्छा है, युवा है, फिटनेस भी बहुत अच्छा है। अब गर्ल्स के आते हैं, तो गर्ल्स जो नया नया लड़की है, अभी नया लड़की, सबसे पहले नया लड़की से बात करते हैं, बोलो। मेरा नाम खुशबू कुमारी है, मैं खंदकपुर से आती हूँ, मैं कल ही ज्वाइन की हूँ। और यहाँ पे आने के बाद मेरा पहले से कुछ भी नहीं था फिजिकल, यहाँ पे आने के बाद मैं थोड़ा थोड़ा इम्प्रूव हो रहा है। और ये सर बहुत अच्छे तरीके से इम्प्रूव करवाते हैं, जो जो स्टूडेंट कमज़ोर है उसके प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं। तो ताली बजाओ इनके लिए भी। और आप बताओ, आपका टाइमिंग सबसे बेस्ट है, बताओ। मैं खुशबू कुमारी बोल रही हूँ, कागजी महल्ला से आती हूँ, 1 महीना आए हुए यहाँ हुआ है। अभी मेरा टाइमिंग रनिंग का 4:04 लग रहा है, और हाई जंप 3 फीट हो रहा है, गोला 15 फीट जाता है। अंदर भैया बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे रहे हैं, बहुत मेहनत करवा रहे हैं सभी पर। ताली बजाओ खुशबू कुमारी के लिए, बोलो पुराना लड़की। और कोई बोलना चाहेगी? तो दोस्तों हम नहीं बता सकते कि मेरा ट्रेनिंग कैसा है, मेरा स्टूडेंट बताएगा। और बात रहा ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग टाइम सुबह में 5 बजे से लेकर 10 बजे तक चलता है नॉर्मली। इसके अलावा जो बी का स्टूडेंट है उसको एक्स्ट्रा बीच में 1 घंटा बुलाया जाता है, और इवनिंग का टाइम 2 बजे से ट्रेनिंग चलता है और शाम के 5 बजे तक चलता है। और हम गारंटी ले रहे हैं कि आप लोग का ट्रेनिंग कन्फर्म है कि बिहार पुलिस में पूरे ज्वाइन करवा देता की गारंटी है कि ज्वाइन करवा दिया जाएगा। पिछला बार भी मेरा काफ़ी अच्छा रिजल्ट रहा, जब जिसमें लगभग 90 विद्यार्थियों का चयन हुआ था, और दरोगा में भी काफ़ी अच्छा रिजल्ट गया जिसमें लगभग 20 विद्यार्थियों का सफल चयन हुआ। और फिजिकल में लगभग मेरे 40 विद्यार्थी चयनित हुए थे, लेकिन मेरिट नहीं बन पाया था कुछ विद्यार्थियों का, तो लगभग पूरी तरह से 20 विद्यार्थियों हुए हैं। फिर ड्राइवर में लगभग 25 विद्यार्थियों में से 23 विद्यार्थियों का चयन हुआ है, 2 विद्यार्थी डॉक्यूमेंट में प्रॉब्लम हुआ था। फिर इसके अलावा दिल्ली पुलिस में 1 विद्यार्थी का सिलेक्शन हुआ है। फिर इसके अलावा आर्मी में लगभग 20 से 30 विद्यार्थियों का चयन हो गया है, लेकिन उनका भी एग्जाम बाकी है। तो वीडियो को देखिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए, जो कि अभी कहीं ट्रेनिंग ज्वाइन नहीं किए हैं। हम गारंटी लेते हैं कि आप लोग का फिजिकल करवा देंगे, एकदम पक्का गारंटी है। नहीं होगा तो आप जहाँ तक की कोशिश करेंगे कि आपका पूरा पैसा वापस कर दिया जाएगा। तो थैंक यू, धन्यवाद।